आइए सबसे पहले ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा स्टार्ट होने में, और फिर देखेंगे ऑटोकैड का इंटरफेस कैसे काम करता है, किधर कौन सा बटन है। तो ये रहा ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर जो अब ओपन हो चुका है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले न्यू पेज ओपन करेंगे। ये यहाँ पे न्यू पेज, न्यू शीट ओपन करेंगे यहाँ से। टेम्पलेट, इसमें ऑटोकैड टेम्पलेट लेंगे, ये हमने पहले से एक बना रखा है, चलिए इसे ही ओपन करते हैं। ये हमने एक प्लान बना रखा था, और आइए जानते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। अगर कोई लाइन लेना होगा तो हम लोग यहाँ से लाइन लेंगे। ये रहा लाइन सेलेक्ट किए, यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट किए, और ESC प्रेस करने पे ये फ्री हो जाएगा। अगर ये ऑर्थो मोड ऑन रहेगा तो ये लाइन स्ट्रेट, हम लोग स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। ये देखिए अभी ये ऑर्थो मोड ऑफ है, अभी हम लोग ऑर्थो मोड ऑन कर लिए, तो अब फिर से लाइन सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए स्ट्रेट लाइन, जहाँ भी जाएंगे स्ट्रेट लाइन आएगा। ये देखिए ये बेनिफिट है ऑर्थो मोड ऑन और ऑफ का। यहाँ आपको नीचे में ऑर्थो मोड मिलेगा, और इसे आप एफएट से भी यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट कमांड पॉलीलाइन पे। पॉलीलाइन की मीन्स ये कंटिन्यूस लाइन होता है। ऑर्थो मोड ऑन है हमारा, तो ये देखिए पॉलीलाइन सेलेक्ट किए, ये देखिए ये एक लाइन हो गई, ये सिंगल लाइन होते हैं, इसको कहते हैं पॉलीलाइन। ठीक है, जानते हैं ऑटोकैड का नेक्स्ट कमांड, हम इसे साइड करते हैं। ये रहा सर्कल, सर्कल लेते हैं हम लोग। ये देखिए इसका अगर रेडियस चेंज करना होगा तो हम लोगों को अगर सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, और जो रेडियस डालना होगा इसमें हम लोग डाल देंगे 50। हम लोग जैसे 50 लिए, ये देखिए ये 50 हो गया, इससे बड़ा लेना है तो हमें लेना है 500। ये रहा 500 का, 500 फिट हुआ। ठीक है, और फिर ये रहा आर्क कमांड, ये रहा रेक्टेंगल कमांड, और ये रहा सर्कल, ये हैच कहते हैं इसे, ये इसे आप मूव कर सकते हैं। ये कॉपी कमांड हुआ, जैसे कि कॉपी कमांड को हम लोग एग्जांपल में इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, इंटर किए, और फिर इसका एक पॉइंट यूज सेलेक्ट किए, जितना मन करे उतना कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसे इंटर दबा दीजिए, ओके। इसके बाद आपका ये रोटेट कमांड यूज़ करते हैं किसी भी ड्राइंग को रोटेट करने के लिए। ठीक है, फिर ये रहा आपका ऑफसेट, इसे टेक्स्ट कोई भी चीज़ लिखना हो आप यहाँ पे क्लिक करें। ये देखिए ये आप ले लिए टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है, इसे टेक्स्ट कमांड कहते हैं। डायमेंशन, किसी भी ड्राइंग का डायमेंशन चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन के लिए हम लोग DIM भी कर सकते हैं, यह हो गया शॉर्टकट कमांड जिससे डायमेंशन चेक किया जा सकता है। इसका रेडियस चेक कर रहा है, ये देखिए 103 फिट हुआ, ये सिंगल डॉट का मतलब फिट होता है। ठीक है, इसी तरह से फिर ये रहा लेयर प्रॉपर्टी। लेयर मींस जैसे वॉल एक अलग लेयर हो गया, विंडो अलग लेयर हो गए, डोर अलग लेयर हो गए, तो ये इसमें हम लोग लेयर क्रिएट करते हैं। हम लोग आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें लेयर के बारे में बताया जाएगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर ये रहा आपका, यहाँ पे आप किसी लाइन को बाय लेयर करते हैं या बाय ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक मींस ये हमारा ब्लॉक हुआ,
लेयर मीन्स जो ये एक लेयर क्रिएट किया, ये लेयर हुआ, ठीक है, ये ग्रुप हो गया। ग्रुप बना, ग्रुप मतलब जैसे कि एक लाइन लिया है हम लोग, ये एक लाइन लिया है, अब ये सिंगल सिंगल लाइन हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसे ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब इसे हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा सेलेक्ट होगा। अगर ग्रुप ये ऑन ऑफ हो गया, ऑफ, अब ये ऑफ हो गया, ग्रुप ऑन कर दिए मीन्स सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट होगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ यानी कि अब हम किसी एक लाइन को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ग्रुप ऑन ऑफ हो गया, ठीक है। ऑटोकैड का क्लास करने से बेहतर है कि आप यूट्यूब पे सीखें, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।